हेलो स्टूडेंट्स टुडेज टॉपिक इज ऑल अबाउट क्लॉथ्स लेट इस बिगन मैच द क्लॉथ्स यू वुड वियर टू डिफरेंट प्लेसेस बच्चों यहाँ पे कुछ क्लॉथ्स के पिक्चर दिए हुए हैं जिसको हमें मैच करना है कि कौन सा क्लॉथ कौन सी प्लेस पे हम पहनते हैं सबसे फर्स्ट वन देखिए ये क्या है स्विमिंग कॉस्ट्यूम है इसको हम कहाँ पहनते हैं स्विमिंग पूल पे पहनते हैं स्विमिंग करते समय ठीक है नेक्स्ट क्या है स्पोर्ट्स की ड्रेस है जिसको बॉयज़ पहनते हैं थर्ड क्या है गर्ल्स की ड्रेस है जो कि कॉमन बीच वगैरह पे घूमने जाते हैं तब पहनते हैं इन ड्रेसेस को हमें नीचे मैच करना है सबसे पहले जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम है उसको स्विमिंग पूल में मैच किया जो स्पोर्ट्स की ड्रेस है उसको सॉकर मैच के साथ ड्रेस किया और जो कैजुअल गर्ल्स की ड्रेस है जिसको वो बीच वगैरह पे पहनते हैं वो उसको बीच के साथ हमने मैच किया नीड फॉर क्लॉथ बच्चों हमें कपड़ों की ज़रूरत क्यों होती है वी नीड्स क्लॉथ टू कवर आर बॉडी बच्चों हमें अपनी बॉडी को कवर करने के लिए कपड़ों की जरूरत होती है क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट कोल्ड रेन एंड डस्ट क्लॉथ्स हमें हीट से रेन से कोल्ड से और डस्ट से बचाता है क्लॉथ्स आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट जो क्लॉथ्स होते हैं वो कीड़ों को काटने से भी हमें बचाते हैं वी वीयर क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू द सीज़न हम सीजन के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं वी वीयर लाइट कॉटन क्लॉथ्स इन समर हम समर में हल्के और कॉटन के कपड़े पहनते हैं कॉटन क्लॉथ्स की पर कूल जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो हमें ठंडा रखते हैं ओलन और सिल्क क्लॉथ्स की पर वार्म इन विंटर जो ओलेन ऊनी कपड़े होते हैं और सिल्क क्लॉथ्स होते हैं बच्चों वो हमें सर्दियों में गर्म रखते हैं वेन इट रेन वी वीयर क्लॉथ्स लाइक रेनकोट बच्चे जब रेन होती है तो हम रेनकोट पहनते हैं या मे रबर के या प्लास्टिक के बने हुए कपड़े अपने कपड़े के ऊपर पहनते हैं दीज क्लॉथ्स आर वाटर प्रूफ ये जो क्लॉथ्स होते हैं वो वाटर प्रूफ होते हैं इसमें पानी नहीं जाता है दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन ये हमें रेन से बचाते हैं अर्ली मैन अर्ली मैन कवर्ड हिमसेल्फ विथ लीव्स लेटर ही मेड क्लॉथिंग फ्रॉम द स्किन एनिमल्स स्किन ऑफ एनिमल्स बच्चों जो अर्ली मैन होते थे जो शुरू के आदमी होते थे वो अपने आप को ढकने के लिए लीब्स का यूज करते थे और उसके बाद कुछ दिनों के बाद जो कपड़े बनते थे वो एनिमल्स के स्किन से बनते थे वाट आर क्लो क्लॉथ्स मेड ऑफ क्लॉथ्स किसका बना होता है क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम क्लॉथ जो क्लॉथ से होते हैं वो क्लॉथ के बने कपड़े के बने होते हैं क्लॉथ इज़ मेड फ्रॉम यार्न और फ़ाइबर जो क्लॉथ होता है वो यार्न यानी धागा और फाइबर का बना होता है फाइबर इज़ ड्रॉन फ्रॉम कॉटन सिल्क वूल और जूट बच बच्चों फ़ाइबर किससे बना होता है कॉटन का सिल्क का वूल का और जूट का बना होता है कॉटन एंड जूट फाइबर इज गॉड फ्रॉम प्लांट्स जो कॉटन और जूट फाइबर होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं प्लांट से मिलते हैं ऊल एंड सिल्क आर ऑब्टें फ्रॉम एनिमल्स ऊल और सिल्क हमें एनिमल्स से मिलता है कॉटन क्लॉथ वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिलता है द कॉटन इज इन पॉट्स ऑन द प्लांट कॉटन कॉटन प्लांट के फली में होती है कॉटन इज स्पन इनटू यार्न यूजिंग अ स्पिनिंग व्हील कॉटन को यार्न के रूप में काटने के लिए स्पिनिंग व्हील का यूज करते हैं द यार्न इज देन वुवेन इनटू क्लॉथ ऑन ए लूम बच्चों यार्न को जो धागा होता है उसको लूम पर बुनकर कपड़े के रूप में तैयार किया जाता है बच्चों जैसा कि आप देखो ये कॉटन प्लांट है ठीक है इसमें से लूम आपको कॉटन मिला और उस कॉटन के को स्पिनिंग व्हील पर यान के रूप में तैयार किया गया और यान को लूम पर देखो आप जैसा कि देख सकते हो लू, यान को, लूम पर कपड़े के रूप में तैयार किया जाता है क्लॉथ दैट इज मेड बाई हैंड ऑन ए लूम इज कॉल्ड हैंड लूम वो क्लॉथ जिसको हैंड से लूम पर बनाया जाता है उसको हैंडलूम कहते हैं क्लॉथ इज आल्सो मेड इन बिग टेक्सटाइल मिल्स जो क्लॉथ्स होते हैं वो बिग टेक्सटाइल मिल में भी बनते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन्स मशीन्स की सहायता से ऊल क्लॉथ द थिक हेयर ऑन ए सिप्स बॉडी इज फ्लीस और ऊल सिप्स के बॉडी पे जो थिक हेयर होते हैं उनसे फ्लीस या ऊल बनते हैं ऊल इज मेड इनटू यार्न और ऊल को यार्न के रूप में बनाया जाता है द यान इज निटिंग इन टू स्वेटर जैकेट सॉल कैप एंड सॉक्स बच्चों आप लोगों की मम्मी मम्मी भी तो बनाती है ना स्वेटर बनाती है कि नहीं बनाती उनसे बनाती इसी तरह यान से स्वेटर सॉल कैप सॉक्स ये सब बुना जाता है बच्चों आपके आपको पता है सिल्क फाइबर इज द स्ट्रोंगेस्ट फाइबर जो सिल्क फाइबर होता है वो सबसे मजबूत फाइबर होता है

इन क्लॉथ फाइबर को कपड़े के रूप में बुना जाता है टू मेक बैग्स डोर मैट्स एंड अदर थिंग्स उससे बैग डोर मैट और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं टाइप्स ऑफ क्लोथिंग मोस्ट ऑफ टाइम वी वियर कैजुअल क्लॉथ्स बच्चों ज़्यादातर टाइम हम कैजुअल ड्रेस में रहते हैं जैसा कि आप इस पिक्चर में देखिए शॉर्ट्स है टी शर्ट हो गया जीन्स हो गया इसको हम कैजल क्लॉथ्स कहते हैं वी वियर फॉर्मल क्लॉथ फॉर सेलिब्रेशन और ऑन स्पेशल डेज फॉर्मल कपड़े हम जब भी कोई चीज़ सेलिब्रेट करते हैं या कोई स्पेशल डेज होता है तभी पहनते हैं दीज चिल्ड्रेन आर वेयरिंग अ स्पेशल ड्रेस बच्चों इस पिक्चर में देखिए जो ये चिल्ड्रेन है इन दोनों ने स्पेशल ड्रेस पहना है वॉट इज द ड्रेस कॉल्ड इसको क्या कहते हैं बताइए आप भी तो पहनते होंगे ना स्कूल जाते हैं तो पहनते हैं फिल इन द लेटर टू मेक द वर्ड पहनते हो ना उसको क्या कहते हैं यूनिफॉर्म तो आपको यहाँ पे यूनिफॉर्म की स्पेलिंग फिल करनी है डॉक्टर्स नर्सेस पोस्टमैन पुलिसमैन एंड फायर फाइटर्स आल्सो वियर यूनिफॉर्म जो हमारे हेल्पर्स होते हैं बच्चों जैसे डॉक्टर हो गए नर्सेस हो गए पोस्टमैन हो गए पुलिसमैन हो गए फायर फाइटर्स हो गए ये सब यूनिफॉर्म पहनते हैं